आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चौकी प्रभारी के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जिले स्तर पर पुलिस अधीक्षक ने किया बदलाव। चौकी प्रभारी सिमरिया को पाल चौराहा का बनाया गया है। चौकी प्रभारी हाजी शरीफ को चौकी प्रभारी कुसुमखोर बनाया गया है। चौकी प्रभारी सराय मीरा को थाना सरायगंज बनाया गया है। चौकी प्रभारी थाना विशुनगढ़ को थाना सौरिक भेजा गया। कोतवाली कन्नौज को बनाया गया सराय मीरा चौकी इंचार्ज। चौकी प्रभारी बंडी थाना छिबरामऊ को भेजा गया थाना। यूपी में दो आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, खबर आपको बता रहे हैं। डीके ठाकुर को एडीजी पुलिस सेवा भर्ती बोर्ड बनाया गया है। वहीं विजय सिंह मीणा को एडीजी विशेष जांच प्रकोष्ठ बनाया गया। यूपी में दो आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। डीके ठाकुर को एडीजी पुलिस सेवा भर्ती बोर्ड बनाया गया है। विजय सिंह मीणा को एडीजी विशेष जांच प्रकोष्ठ बनाया गया। यूपी में दो आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। जनरथ बस में आग लगने के मामले में 3 निलंबित किए गए हैं। सेवा प्रबंधक जूनियर व सीनियर फोरमैन पर कार्रवाई की गई है। एमडी रोडवेज संजय कुमार ने निलंबित किया है। कैसरबाग डिपो की बहराई जा रही जनरथ बस में आग लगी थी। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। जनरथ बस में प्रतिमा बैठाने को लेकर दो पक्षों में तनाव का माहौल देखने को मिला, चंदौली से खबर बता रहे हैं। सार्वजनिक जगह पर बैठाई जानी है अंबेडकर की प्रतिमा। सूचना के बाद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे सीओ। तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कायम रख रहे हैं। बबुरी थाना क्षेत्र के चनहटा गांव का पूरा मामला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत हमसे जुड़ेंगे। अजीत, प्रतिमा बैठाने को लेकर दो पक्षों में तनाव देखने को मिल रहा है, क्या वजह है तनाव की, क्या कुछ पूरा मामला है? के चनाटा गांव में आज सुबह में मूर्ति प्रतिमा को लेकर बैठाने को लेकर दो पक्षों में आपसी तनाव हो गया। वहीं मौके पर मैं फोर्स पहुंची और मौके पर सीओ पहुंचे और तनाव को अभी नियंत्रण किया गया। और हालांकि अभी जांच वहां पर पूरा जमीन को नापा जा रहा है, अभी आगे क्या अपडेट है आती है तो आपको अपडेट कराते। जी धन्यवाद अजीत तमाम जानकारियों के लिए। फायरिंग पर रोक के बाद भी फायरिंग, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। नहीं थम रहे हर्ष फायरिंग के मामले। शादी के दौरान हर्ष फायरिंग हुई। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। जानकीपुरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत रसूलपुर गांव का मामला है। हर्ष फायरिंग पर रोक के बाद भी फायरिंग की जा रही है, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। हर्ष फायरिंग के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। शादी के दौरान की गई हर्ष फायरिंग। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। जानकीपुरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत रसूलपुर गांव का मामला है।
फायरिंग का सिलसिला नहीं थम रहा है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।